मध्य प्रदेश में गौवंश की हत्या और तस्करी के मामले थम नहीं रहे। सिवनी और मंडला के बाद अब जबलपुर के ग्रामीण इलाके कटंगी की एक पहाड़ी पर कई मवेशियों की हड्डियां बरामद हुई हैं। इसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, प्रशासन के होश उड़े हुए हैं। दरअसल जबलपुर के कटंगी क्षेत्र की पहाड़ी पर स्थानीय लोगों ने जानवरों की हड्डियां देखी। सूचना पर हिंदुवादी संगठन और बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहाड़ी पर पहुंच गए और जब लोगों ने छानबीन शुरू की तो पूरी पहाड़ी पर कई मवेशियों के अवशेष और हड्डियां बरामद हुई हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहाड़ी का वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कई गायों और भैंसों की हड्डियां पहाड़ी पर बिखरी हुई हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 50 से ज्यादा मवेशियों की हड्डियां पहाड़ी पर फैली हुई थी। इसमें धड़ और सर की हड्डियां बरामद हुई हैं। मवेशियों के अलग अलग अंग पूरी पहाड़ी पर बिखरे हुए थे। कार्यकर्ताओं ने सभी हड्डियों को इकट्ठा कर पुलिस प्रशासन को सूचना दी। स्थानीय लोगों का मानना है कि पहाड़ी पर मवेशियों की तस्करी करने वालों ने गौवंश की हत्या की और फिर उनकी खाल और मांस लेकर चले गए और हड्डियां यहीं छोड़ गए। हालांकि प्राथमिक तौर पर मवेशियों की हड्डियां बहुत पुरानी नजर आ रही हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि महीनों पुरानी हड्डियां पहाड़ियों पर बिखरी हुई थी। सूचना पर पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और वेटनरी डॉक्टरों के साथ स्थानीय अधिकारियों की टीम पहाड़ी पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने सभी हड्डियों को जब्त कर लिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया है। पुलिस का भी कहना है कि ये हड्डियां महीने पुरानी लग रही हैं। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी। थाना कटंगी क्षेत्र में कटंगी नगर के समीप एक पहाड़ जंगल में एक विस्तृत क्षेत्र में बहुत सारे जानवरों के अवशेष मिले हैं और अभी उसमें डॉक्टर्स के थ्रू उनका PM कराया गया है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आगे कार्रवाई कर रही है। प्राथमिक तौर पर क्या लग रहा है सर? देखिए, इसमें अलग अलग प्रकार के जानवर दिख रहे हैं और उनके जो स्केलेटन मिले हैं वो काफ़ी पुराने हैं और उसमें अभी जांच करके आगे कार्रवाई की। सर, मांस काटने वाला लकड़ी का बड़ा टुकड़ा ही मिला, उसको खून के दाग लगे हुए, तो आशंका जताई जा रही कि वहाँ पर उनको काटा गया है। देखिए, अभी इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं है और जैसे साक्ष्य आएंगे वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रशासन को इस पूरे मामले पर ठोस कदम उठाना चाहिए। अगर शीघ्र इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो जबलपुर बंद का आह्वान करते हुए उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज बड़ा गंभीर मामला सामने आया कि 32 से 40 नग गौवंश के यहाँ पर मिले, जिसको काट के पहाड़ी पर फेंक दिया गया। हमारे कार्यकर्ता रघुराज जी, गोविंद जी यहाँ पर पहुँचे, उनको ये सूचना मिली तो ऐसा प्राप्त लग रहा है कि इस पूरी पहाड़ी में 100 से 150 गौवंश के नग यहाँ पर काट के फेंके गए। तो ये बड़ा ही गंभीर और चिंता का विषय है कि शासन प्रशासन की निगरानी में अगर इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं कि क्या या तो यहाँ पे कोई मौका परस्ती लोग यहाँ पे आके इस प्रकार का कार्य करके शांति का माहौल खराब करना चाह रहे हैं या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसका विश्वंदु परिषद बजरंग दल इतना विरोध करता है कि तत्काल प्रभाव से इन होने वाले इन घटनाओं की तत्काल प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी हो और इस प्रकार की घटनाएं बंद हो, इनकी ड्रिलिंग चले, पुलिस की गश्ती यहां पर लगे, जो भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं इसका चिंतन करें। फॉरेस्ट विभाग भी यहां पर है क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के जंगल में ये गौवंश मिला है, तो क्या यहां पर जो जांच निगरानी टीम है उसका ध्यान नहीं रखती है? इसका भी मैं मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्रकार वार्ता परसों हमारी हुई थी, हमने मांग करी है कि निगरानी दल एक बनाया जाए, टोल फ्री नंबर बनाया जाए और जो भी वहाँ नाते जाते इसकी पूरी सूचना व निगरानी तौर पर रखी जाए, ग्राम पंचायत के तौर पर SDM कार्यालय में भी इसकी पूरी सूचना हो। यदि इस गौवंश की तस्करी नहीं रोकी गई तो विश्वंदु प्रसाद बजरंग दल आने वाले समय में पूरा जबलपुर महानगर बंद कराएगा और जिन दोषी कर्मी हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर करने की बजरंग दल मांग करता है। आपको बता दें कि जबलपुर के कटंगी क्षेत्र में 23 जून को एक गौवंश का शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस मामले की जांच ही कर रही थी कि बुधवार को एक बार फिर से 50 से ज्यादा गौवंश के कटे हुए सिर और अंग पड़े हुए मिले।